मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे आई रीड चैप्टर लेसन नंबर 6 ऑफ इंग्लिश रीडर। गुड डीड। गुड मतलब अच्छे, डीड मतलब कर्म, अच्छे कर्म। गट्टू एंड गप्पू वर फास्ट फ्रेंड्स। गट्टू और गप्पू दो क्या हैं, लड़कों के नाम हैं बच्चों के, और फास्ट फ्रेंड्स वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। They studied in the same school. They मतलब वे studied पढ़ते थे in the same school, दोनों same school में पढ़ते थे। They were good swimmers. और वे बहुत अच्छे क्या थे, swimmers भी थे, मतलब बहुत अच्छा तैरते भी थे। They used to go to a pond to take bath. वे नहाने के लिए go मतलब जाते थे, used मतलब इस्तेमाल, टू ए पॉन्ड तालाब का करते थे, टू टेक बाथ नहाने के लिए, वे नहाने के लिए क्या करते थे, तालाब का यूज़ करते थे। नेक्स्ट, वन डे दे वेंट टू द प्लेग्राउंड टू प्ले फुटबॉल। वन डे एक दिन, दे मतलब वे, वेंट जाते थे टू द प्लेग्राउंड खेलने के मैदान में, जो खेल का मैदान होता है वहाँ, टू प्ले फुटबॉल फुटबॉल खेलने के लिए वह एक दिन कहाँ गए थे, खेलने के मैदान में। When they became tired, when मतलब जब, they मतलब वे, became tired थक गए, जब वे थक गए, they went to the pond to take bath, तब कहाँ चले गए, pond तालाब में नहाने के लिए चले गए। Some people were already taking bath, some मतलब कुछ, people मतलब लोग, were already taking bath, वो पहले से क्या कर रहे थे, वहाँ पर नहा रहे थे। There were some women also, वहाँ पर क्या थी, कुछ औरतें भी थी। They were washing their clothes, they मतलब वे, washing मतलब धोना, clothes मतलब कपड़े, वे कुछ कपड़े, वे जो थी क्या कर रही थी, अपने कपड़े धो रही थी। A woman had two children, एक औरत थी यानी कि क्या थे, दो बच्चे थे। The woman was busy in washing the clothes, और वो जो औरत थी वो किस में बिजी थी, व्यस्त थी कपड़े धोने में। The children were playing beside the pond, और बच्चे का खेल रहे थे पॉन्ड के साइड पे, के साथ ही खेल रहे थे तालाब के पास से। She was so busy in her work, और वह किस में बिजी थी, किस में व्यस्त थी, अपने काम में व्यस्त थी। That she did not keep an eye on her children, और उसकी जो नज़र थी वो बच्चों पर नहीं थी। Suddenly there was a splash, सडनली मतलब अचानक से, देयर वाज ए स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब होता है छप छप, छप छप की जैसे थोड़ी बहुत आवाज़ आती है ना, वैसे अचानक से क्या हुई उनको, छप छप की कुछ आवाज़ आई। द बेबी बॉय हैड स्लिप्ड इन द पॉन्ड, बेबी बॉय मतलब छोटा सा जो बच्चा था उसका, बिल्कुल वो क्या हो गया, गिर गया कहाँ पे, तालाब में। द मदर सॉ हर चाइल्ड, उस माँ ने अपने बच्चे को देखा, फॉलिंग इन टू द पॉन्ड, किसमें, तालाब में गिरते हुए, फॉलिंग मतलब होता है गिर जाना। She raised an alarm, और वह उसने क्या की, इतनी तेज आवाज़ लगाई, मतलब अलार्म टाइप में जैसे आवाज़ आई उसको। The boy was drawing, कि बच्चा डूब रहा है, लड़का डूब रहा है। आगे देखो, some people heard her cries, कुछ लोग उसकी आवाज़ सुन के, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन कर के आए वहाँ। Nobody came forward to save her drawing child, कोई भी जो था उसको बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए, डूबते हुए बचाने के लिए कोई भी नहीं गया। गप्पू हियर्ड हर क्राइज, गप्पू जो लड़का था उसने क्या किया, उस बच्चे की आवाज़ सुनी, मतलब चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ये ज़्यादा बेबी ड्रॉइंग, और उसने देखा कि वह बच्चा डूब रहा है। ये जंप्ड इनटू द पॉन्ड एट वंस, वह एक ही बार में वहाँ पे तालाब के अंदर कूद गया। ही स्वैम अप टू द ड्रॉइंग बॉय, वह तैरते हुए क्या हुआ, उस बच्चे को बचाने के लिए गया। ही पिक्ड अप द बेबी, उसने बच्चे को उठाया, एंड स्वैम बैक टू द बैंक, और वापस कहाँ आ गया, उसके पॉन्ड से बाहर आ गया। ऑल दोज हु वर प्रेजेंट देयर, सारे उसकी जो थे उसको देख रहे थे, उसको मतलब उसकी क्या कर रहे थे, प्रेज्ड हिम, प्रशंसा कर रहे थे, फॉर दिस गुड डीड, उसके अच्छे कर्मों की वजह से। द बॉयज मदर ब्लेस्ड गप्पू फॉर हिज हेल्प, जो उस बच्चे की माँ थी उसने उसको बहुत ब्लेस्ड किया, आशीर्वाद दिया, किसको, गप्पू को, क्यों दिया, क्योंकि उसने उसकी क्या की, मदद की। शी टुक हिम टू अर होम, वह अपने घर लेकर गए।
शी टोल्ड द वह अपने घर गया शी टोल्ड द होल स्टोरी टू हर हस्बैंड उसने जो माँ थी उसने पूरी स्टोरी किसको बताई अपने हस्बैंड को बताई द बॉयज फादर फेल्ट वेरी हैप्पी जो उस बच्चे का फादर थे लड़के के वो क्या हुए बहुत खुश हुए ये थैंक्ड गप्पू उन्होंने गप्पू को थैंक यू बोला धन्यवाद किया He gave him a reward for saving the life of his son. वह उसको क्या देने लगे उसको इनाम देने के लिए पूछा उससे कि क्या लोगे तुम उस बच्चे की भी जान बचाने के लिए मेरे बेटे की गप्पू वॉज वेरी हैप्पी गप्पू जो था वो बहुत खुश था He had saved the life of a baby. उसने एक बच्चे की जान बचाई गप्पूज फादर हियर दिस स्टोरी गप्पू के फादर ने यह स्टोरी सुनी कहानी सुनी ही वॉज प्राउड टू हियर दिस स्टोरी ऑफ हिज सन ब्रेवरी वह जो थे बहुत गर्व महसूस कर रहे थे सुनते हुए अपने बेटे की बहादुरी की कहानी को लाइक गप्पू वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स इन द टाइम ऑफ नीड जैसे गप्पू ने उस बच्चे की मदद की वैसे ही हमें भी किसी ज़रूरतमंद की इसी तरह से मदद करनी चाहिए